क्या करे सुन्नत तरीका क्या है जब आपे सब तो सलाम मिलसी एक सुन्नत तरीका क्या है जवाब की मैं जैसे सुन्नत ये है उलमा इकराम ने फरमाया बताइए आप सी अलैका व अलैहि सलाम तेरे ते सलाम होवे ते उस ते सलाम अलैका व अलैहि सलाम हुन वो अगू भावे बंदा गरीब तो गरीब कौम दा होवे गुनाहगार होवे खताकार होवे चिट्टा अनपढ़ होवे ते ओ सानो सलाम देगे ते हे पले ते जवाब विच उस को जदा अलैहि सलाम आ सकदे हैं तवज्जो है उस को जदा अलैहि सलाम आ सकदे हैं तो जिन्हां दा सदका खाने जिन्हां दी इज्जत दा मेरे नबी ने हुक्म फरमाया मुस्तफा ने हुक्म दिता है सोने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है आली शान मेरे आका ने फरमाया अहबुल्लाह लिमा यज़मुकुम मिन निअमे फरमा अल्लाह नाल प्यार करो इस वास्ते जो थानू अपनी नेमत अता फरमाता है वा अहबुनी लिहुब्बिल्लाह ते फरमा मेरी अहले बैत नाल मेरी वजह तो प्यार करो फरमाया वा अहबुनी लिहुब्बिल्लाह मेरे नाल अल्लाह की वजह तो प्यार करो वा अहबु अहले बैत लिहुब्बी और मेरी अहले बैत नाल मेरी वजह तो प्यार करो इतना चीज़ा इस हदीस के अंदर मेरे नबी ने बयान फरमाया पहले नंबर पे फरमाया अहबुल्लाह लिमा यगदुकुम अल्लाह नाल प्यार करो इस वास्ते जो थानू अपनी नेमत अता फरमाता है सुबह शाम जरा इसके इस्तेमाल करने हैं जो नेमत खाने हैं जो नेमत पीने हैं जो ये कपड़े पहने हैं जो सर के बाल तू चाटी कदम तक अल्लाह पाक ने सानू वजूद के उत्ते बेशुमार नेमत अता फरमाइया 360 जोड़ साडे जिस्म दा बना के एक एक जोड़ साडे वास्ते कीमती बना के सानू आसानी अता फरमाइए इन्हां नेमत दे बदले च मेरे आका ने फरमाया तो रब नाल प्यार करो मत फरमावा अहबूनी लिहुब्बिल्लाह ते मेरे नाल अल्लाह की वजह तो प्यार करो जो मैं उसका महबूब जो मैं उसका हबीब ते प्यारा जो हाँ व अहबूनी लिहुब्बिल्लाह मेरे नाल अल्लाह की वजह तो प्यार करो व अहबू अहल बैती लिहुब्बी ते मेरी अहल बैत नाल मेरी वजह तो प्यार करो और जना कोई नबी की आल नाल प्यार करे तो मेरे आका ने फरमा दिता मैं क़यामत दिन उदा नाल सफारशी बरसा शफाअत भी फरमाएसा सोने महबूब ने फरमाया अरबातुन अना लहू शफीउन यौमल क़ियामा चार किस्म के लोग ऐसे क़यामत के दिन जिन्हां की मैं शफाअत फरमाएसा फरमा उन्हां दे विच पहला कौन उन्हां दे विच पहला शख्स कौन पहला ओए फरमा अल मुकरिम जरा मेरी औलाद की इज्जत करे मेरी औलाद की थके बैठे हो तो मैं इतना ही दुआ करे ना चाहिए क्योंकि मैं कह दो महफिल तैयार भी कर रही पता चले कि महफिल है तो वही सुने हुसैन जिक्र शफाअत फरमाएसा फरमा उन्होंने पहला अल मुकरिम दुर्रियती जिहड़ा मेरी औलाद की इज्जत करने वाला हो मेरी औलाद का एहतराम करता हो बंदा अलैहि सलाम आता है ना एक एहतराम की वजह तू आता प्यार की वजह तू आता है नहीं वास्ते उन्होंने सलाम पेश करना कोई अदब के खिलाफ नहीं क्योंकि असा तो वह मुसलमान है जिन्हों की नमाज इतने तक पूरी नहीं होती जितने तक उन्होंने पाकों की बारगाह च दरूद ना पेश कर दे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद
कहंदे ते दरूद भी देंदे आए सोने नबी ते नबी दी आल ते मौलवी साहिबा मुफ्ती साहिबा मलिक साहिबा जदा नमाज च बैठा होंदे इबादत खुदा दी है ते याद आले मुस्तफा दी जदा खुदा दी इबादत दे विच बैठे नहीं अल्लाह दी इबादत दे दौरान भी उहनां नूं दरूद भेजना जायज़ है अगे पिछे बस इतने सलाम करेंदा रहता जायज़ है मेराज दी रात आई मेरे सोने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं रब ने सजवाया अपने कोल बुलाया अपना जलवा दिखाया मेरे आका ने क्या कहे मुलाकात विच अर्ज कीती है मौला अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तैयबात या अल्लाह मेरी अम्मा दी जानी जबानी सब इबादतां तेरे वास्ते अब रब ने क्या जवाब दिता फरमाया प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने प्यार चाके फरमाया सोनिया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो व रहमतुल्लाहि व बरकातहू फरमाया ए मेरा नबी तेरे ते सलाम भी होवे रब दिया रहमतां भी होवे अल्लाह दिया बरकतां भी होवे जरा सो मेरे आका ने अगे क्या फरमाया सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब ने सलाम फरमाया रहमत दा तोहफा दा फरमाया बरकत दा तोहफा दा फरमाया मेरे नबी ने अर्ज की थी मौला अस्सलामु अलैना असा सारे ते सलाम होवे तवज्जो होवे जरा तवज्जो फरमाए सो जुमले दे उते जरा गौर कर के सो जिंदगी भर भूल सी नहीं अस्सलामु अलैना सलाम होवे सादे ते वाला इबादिल्लाह सालिहीन ते या अल्लाह सलाम होवे तेरे नेक बंदा ते सुभान अल्लाह तो नेकन अलग कीते ते अलैना ए जेडी जमा दी जमीन है ए अल्लाह दे महबूब ने कहने वास्ते बयान फरमाए आशिक लोग आदन सोने महबूब ने नेकन अलग जिक्र फरमा के ते जमा दी जमीर बयान फरमा के महबूब ने दसा दिता मौला जेड़े नेक ने ओ तां तैनूं उन्ने प्यारे ने जेड़े गुनाहगार ते खताकार ने उन्ना ते मैं रहमत दी छां कर देना मैं अपनी चादर रहमत वाली पा देना मेरा सदका उन्ना सारा ते सलाम भेज दे सलाम कितना खड़ो के नबी कीता है जिता रब नाल गुफ्तगू कोई हो जिता दुनिया का और कोई जा ही नहीं सका ते जा सकते ही नहीं वाफे सफर हुसैन जफर सकते सोने बोले मैं कह कह ने अपने शौक वास्ते भी पढ़ छोड़े ना और मैं चाहता मेरे नाल मिल के पढ़ सो और ये दिया सोनिया नाता मोहम्मद मिस्कीन नु टैग करके दीदिया करो जा गरीब आदमी पढ़ सी सोने बोल पढ़ सी अगले तवज्जो नाल सुनते हैं बहुत ज्यादा मजा पड़ सी अदब वाले शायर की नात पता पढ़े तो चस ज्यादा होती है ये पुराने शायर अदब वाले शायर इन्हें सोनिया तरसन के उत्ते ते मिठे कलाम लिखे भी पढ़ दिया आप सफर भी ये तो हूँ मौजूदा दौर का पर रंगी के उत्ते कहे फकीर का मैं लगता है चढ़ाओ मैं उसका कलाम बहुत ज्यादा पसंद आया इस वास्ते मैं करा करा उसका कलाम शौक न पढ़ छोड़े ना खुदा दे नाल अरशां दे अलावण कमल बीदाए खुदा दे नाल अरशां दे अलावण कमल बीदाए खुदा दे नाल अरशां दे अलावण कमल बीदाए खुदा दा कौन हासुहा दसावण कमल बीदाए खुदा दा कौन हासुहा सावण कम नबी दा खुदा दे नाल अरशां दे अलावण कम नबी दा खुदा दे नाल अरशां दे अलावण कम नबी दा खुदा दे नाल अरशां दे अलावण कम नबी दा खुदा दा कौन हासुहा दसावण कम नबी दा सजदा फरिश्ता तो आदम को जो
سجدا آدم مجھو سجدا سلام لکھو
इन एक तरतीब समझाई। इदा ये मतलब नहीं कि उन्हें मना कर दीते जो कह कौन सलाम लिखो ही नहीं तो हो गए सर। इदा ये मतलब हर कैसे नहीं क्योंकि गरीब तू गरीब गुनाहगार तू गुनाहगार मुसलमान की कबर ही हुए तो बन के क्या सुन अस्सलाम वालेकुम या अहल अल कुबूर कब्र वालों थाने ते सलाम होए जरा आम को सलाम कर सकते हैं खासम को तवला वाला कर सकते कोई तरतीब आई बिल्कुल ही नहीं। एक बंदे दाढ़ी रखी पग चपदी दूचार उस नाता याद हो गई थोड़े सिपारे कुरान पाक दे याद हो गए मस्जिद का इमाम बन गए हूँ सज धज के स्टेज पर आए तो स्टेज सज पे आता है हजरत अलामा मौलाना तुमको गुनाह तो नहीं की उनको रुके नहीं अस ना रुके हालांकि वो अलामा नहीं लेकिन ये प्यार ये इज्जत है ये एहतराम है। इसी तरह जेड़ा बंदा हज ते गए तो चलो तो हाजी जेड़ा उमरे ते गए वो हाजी तो नहीं उस हज तो नहीं किया लेकिन असर प्यार चुको हाजी आदे आदे प्यार चाहिए क्योंकि उमरा भी तो छोटा हज अगर तेरा उमरा करके आवे उको हाजी आदे चा तो फतवा याद नहीं आता खाली हाफिज को कारी आदे चा फतवा याद नहीं आता थोड़े पड़े हुए को अलामा के मौलाना आदे चा तो फतवा याद नहीं आता तो पाकन को सलाम करूँ चा तो फतवा ही न लाए सलाम पढ़ ते पज कट के पढ़ सुल्तान करबला को हमारा सलाम सलाम करते कई मौली फतवा नहीं लाया तो अगर अलग सलाम लिखू जाए तो नाराजगी के लिए भी तो लफ्ज एक नहीं सिर्फ लफ्ज का फर्क है अल्फाज का थोड़ा जहां फर्क है बाकी का माना वो ही है ना सुल्तान करबला हमारा सलाम हो असवर की नन्ही
ਦਿੱਤੇ ਸਭ ਕੁਰਬਾਨ ਫਰਮਾਏ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ ਨਬੀ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਭਾਈ ਭਤੀਜੇ ਭਾਂਜੇ ਸਭ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਆ ਅਗਰ ਚ ਕੁਛ ਮੌਲਵੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਥ ਖਾਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ
कुछ सियासी लोगों के को इख्तलाफ है और वो अपनी जगह पर मैं उसकी दीनी काम को देता क्योंकि हदीस के हवाले नाल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सारे मजहब के ख्याल में अगर सब तो ज्यादा काम किया है सब तो ज्यादा हदीस किताबें तरतीब दी हैं तो उस आलिम का नाम शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल-क़ादरी और अल्लाह गवाह है कि ना मैं उसका मुरीद हां ना उसका शागिर्द हां ते ना उसकी तारीख का लेकिन मैं सिर्फ उसकी इस दीनी खिदमत की वजह से उसका दिली बयान कई मौलवी मेरे से वजह से नाराज भी रहते हैं खूब सारे हजरात मैं करा हजरत साहब की कोई तस्वीर लिखा चाहते शेयर करा चाहे फेसबुक पे बड़ी घटिया गल्ला बोली करके सर करा मेरी तस्वीर पे पाठ लाल मैं जो मर्जी आमने करो पर जो मेरे महबूब की हदीस ना लेदा प्यार करे जब मैं उसने प्यार जरा मेरे नबी दे नवासा ना ना चाहे तो हले ये सलाम आता है प्यार मन को प्यारा लगता है बस किचन अगर नाराजगी है तो होवे भाई मैं को कहते घरों दाने नहीं بس میرا اللہ نے عطا فرمایا عزت یا ذلت اس کے ہاتھ ہی چے یہ اس کا اپنا فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم चलते चलते सोने अली तक पहुंची और सोने अली को नस्बत सोने नबी तक पहुंची कहती नस्बत सोने सिद्दीक तक पहुंची और सोने सिद्दीक को सोने नबी तक पहुंची तो मुर्शिद पाक के जरिए का लिंक लग रही हो भाई इन वास्ते हजरत तो अपने पीर देते हैं मौलवी अन्ना देते क्योंकि मौलवी अंदर मतलब पार्सल नहीं आता एक दिहाड़ बे पार्टी ना बे दिहाड़ बे ना बल्ले खड़े होने हालात बदले रहने इन वास्ते ऐसा हिक्का लाइन रखी हुई और मैं नाम ही आता रहा अलहमदुल्ला मेरी नस्बत है मैं इन चक्कर चना पाऊंगा इख्तलाफी गुफ्तगू वाले मामले में
ताहिर कादरी साहब खूबसूरत जड़िया किताबा लिखिया उन्होंने बहुत सारे फूल जो जमा फरमाए उन्होंने एक फूल ये भी है जो मैं अर्ज किया है कि मेरे आका ने चार बंदा की शफात का जिक्र फरमाया यानी चौथा जरा जुमल है फरमावल मुहिब्बो बिकल्बिही वलिसानिही जरा नबी की आग न दिल को प्यार करे तो जबान न उसका इकरार करे तो दिल हर कोई प्यार करें पर जो महफिल सजाई है तो जबान इकरार करना पाने उस इमाम का जो मैदान करबला के तशरीफ फरमा हो मजबूर होकर शहीद नहीं होया अल्लाह की कसम अल्लाह की रहमत वस के मसरूर होकर शहीद हो वरना अगर पानी की गल हो गई तो हुसैन की तशान ही उची है इन्हों की औलाद के एक बीबी है हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रजी अल्लाह तआला की बूबी साहब आए अल्लाह की वलिया है शाह अल्लाह की वलिया ने दुआ का अनोखा तरीका इख्तियार किया झाड़ू चचाई जाके अपने बेड़े चु चलती है अर्ज की मौला सफाई मैं कर छोड़िए छिड़काव का इंतजाम फरिश्ता से दूर करवा अल्लाह की कसम ने आपकी करामत लिखी वलिया की दुआ होने की देर हुई है रब की रहमत वसण की देर नहीं जिनकी औलाद वलिया मौजूद हो गए जिनकी औलाद अल्लाह के प्यारे वली मौजूद होवे हजरत पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह बैठे गैर मुस्लिम अंग्रेज मिलने वास्ते आए तो आके मुलाकात के दौरान गलबात हुई तो उस आखिर जी दुआ करो बारिश नहीं वसी काफ़ी अरसा हो गया अल्लाह रहमत की बारिश देवे वली दे हाथ उठे दुआ फरमाई हाले थाई बैठे दरबार तो बाहर नहीं गए रब बादल ही भेजे बारिश ही वसाई जबकि औलाद के इतनिया करामत होवे उस सोने हुसैन की अजमत का अंदाजा कौन ला सके कुछ लोग जरा मजबूर बना के पेश करते सारा हुसैन मजबूर लाए क्योंकि वह हस्ती है जरा मदीना छोड़ के दिया मक्का पा के हिजरत करके पवे राह के इबने मोती नामी बुजुर्ग मिल गया आखन लगा जी सदक खूह है पानी की सतह चिकी हो गई है पानी के रस्ते परेशानी हो गई आपने फरमाया जो लोग खूह की मारते पानी थोड़ा भरो धड़ दिता बर्तन में मुँह न लाया कुल्ली फरमाई पानी जरा मुँह चाहे वो बड़ा बर्तन च पाए खूच पाए अल्लाह की कसम उलमा ने लिखा खूच पावन की देर होई है पानी की सतह बुलंद होवन की देर नहीं हो गई पानी की सतह बुलंद हो गई पानी ऊंचाई में आ गया और उसका जायका भी इंतहाई खुशगवार और मिठास वाला हो गया तो करामता वाला है सुनने ये वो हस्ती है खुदा की कसम मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह ने हस्तियां ने लिखा कि सोना हुसैन हसीन कितना है प्यारा कितना है क्योंकि सहाबा ने जो रसैन हम शक्ल मुस्तफा हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला ने सरियां ज़ुल्फ़ां तो लेके सीने तक हम शक्ल मुस्तफा और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु सलामुल्लाह अलैह सीने तो लेके कदम इन शरीफ़ैन तक हम शक्ल मुस्तफा यानी दो शहज़ादे अगर इकट्ठे खड़े हो मेरा सहाबा फरमाते हैं इन्हें लगता है जिन्हें सानू सोने महबूब का पूरा वजूद नजर आ गया है कितना हसीन है सोना नबी ए सहाबा तू पूछो फरमा इला तहका या तल्लाहु फिल जुदुर नबी हसबो या ता सामने दीवारा चमक उठ दिया सहाबा फरमाते खुदा की कसम सोना खुश हो या महबूब दे ए रुखसार चमक दिया ए पेशानी चमक दिया इतना हुस्न नजर आई खुदा की कसम ऐसी चमक चेहरे की हो वेंदी आई फरमाया मेरे मुस्तफा करीम दे चेहरे पाक दे विचू सामने आलिया चीजां दा अक्स नजर आवण लग वेंदा सुभान अल्लाह हुस्न इतना ई वास्ते दा मोहब्बत वाले ने जुमला लिख दिता के तू मेरा शम्स कमर तारियां तू इब्स
पेशानी जो चमक नजर आंदी आई, रुखसारा जो चमक नजर आंदी आई के रोशनी आसपास दे इलाके च बोंदी है। ऊंची आवाज दे जरा ऊंची सुभान अल्लाह। अच्छा के मौलवी को मसला पूछ के ना कॉलेज आए, अगर कहे औरत का शौहर फौत हो तो फौत हो गया के बाद उस नु 1.5 साल बाद अल्लाह पाक बच्चा ले गया, मुझे उते कोई इतराज थी सकता क्योंकि पांच दफा इस तो ज्यादा उम्र लीजिए अल्लाह पाक कह के औलाद अता फरमा देना। अगर शौहर के विसाल से बाद अमल जाहिर हो गए 4 महीने के दादियों के अंदर अंदर बाद वो अमल अगर लंबी मुद्दत भी चला जाए तो उस औरत के किरदार पे एतराज नहीं हो सकता। इसी तरह अगर कहीं औरत की शादी हो गई तो शादी के बाद 6वें या 7वें महीने बच्चा पैदा हो गए उसके किरदार में कोई एतराज हो सकता है? दुनिया भले करे बने कहीं आलिम को पूछो तो वाकसी नहीं, क्योंकि 6 महीना का भी बच्चा पैदा हो सकता है। लेकिन दुनिया के आम रिवाज है जरा 6वें 7वें महीने जमे तो बड़ी मुश्किल ना बचता है, कोई कोई बच्चा बचता है बड़ी मुश्किल ना। लेकिन खुदा की कसम ने निशान सुनने आए बैठे हो ये उन्होंने मशहूर करामत है। मौलाना अमजद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे पास अपना अजीम आलिम और मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब दावत इस्लामी वाला मेरे पास अपना अजीम आलिम, उन्होंने दुआ ने लिखा, मुझे और बहुत सारे उलमा ने लिखा, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के बारे में मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, सोना हुसैन दुनिया का वाहिद बच्चा है कि जरा 6 महीना के बाद पैदा हो। मैं जरा एक गल पढ़ी ना तो मैं इश्की पूछ के सोचा मार के वाह सोना हुसैन का मतलब है क्यामत तक आवन वाली औरतों की इज्जत की हिफाजत का जरिया बने। मैं कुछ अर्ज किया अगर समझा हो, किसी की बहन बेटी की शादी हो तो खुदा ने खासा बच्चा अगर 10 महीना तो 9 महीना तो 8 महीना तो पहले पैदा हो जाए तो 5 दफा हो सकता है कोई जबान दराजी करे आचा, कोई गलत बयानी करे, बदगुमानी करे। अल्लाह ने सूरे हुसैन की करामत जाहिर फरमा के उची आखो जरा सुभान अल्लाह। सही नहीं होती वजूद की ताकत ते कोई कोई पचदा है, पर सुना हुसैन हो पैदा 6 महीने होए लेकिन सेहत भी ठीक है, ताकत भी ठीक है, बरकत भी ठीक है। मेरा इश्क याद है अल्लाह ने इन्हां दी करामत बना के क़यामत तक दी मोमिनात और तंगी इज्जत की हिफाजत फरमा छोड़ी। सुभान अल्लाह। गल समझ आई? सुभान अल्लाह। यो पाक करामत हसी है जमदी है उम्मत वास्ते भलाई करेगा, उम्मत वास्ते बरकत बढ़ेगा आया है वो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये कोई आम हस्ती नहीं, अगर करबला के मैदान में खड़े होके खुदा की कसम मेरी मोहब्बत याद है, अगर आप दुआ के हाथ उठाएंगे या जमीन के कदम की ठोकर मरेंगे जा मेरा सोना रब इन्हें दुआ रद न फरमाए, क्योंकि उस वीर का भाई हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व सलामुल्लाहि अलैह सफर गया। मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा आप दिनाल और साथी हैं कि सफर के लुक के उत्ते सहरा के लुका एक खजूर का दरख्त बैठा नहीं तो सुखी खड़ी आई खजी वो बैठा नहीं ना मदीने के वक्त लोगों को खजूर तो पसंद देख के आखा लगा हाँ अगर ये सर सब्ज होंगी इधर उत्ते फल होंदा खजूर होंदिया तो खा के होंगे थकेड़ा लाए रहता, क्योंकि जिमें हूँ कोई थका हो गया तो चाह पिलाओ जो थकेड़ा लावे, कोई जूस बोतल पिलाओ जो थकेड़ा लावे। अरब वाले लोगों को खजूर मिल वजह तो थकेड़ा लाए पैदा कि यार खजूर होवे ना तो खवाए ना
हजरत इमाम हसन ने फरमाया खजूरा खावना चाहते हैं। उसने कहा जी हाँ। इन्हें हाथ उठाए सोने दुआ फरमाई जब देखे तब खजूरा ताजियां लगी मुझे आपने मर्जी हमने खा के खिदमत गुजारी कोई खावन पीवन की कुछ कोई तकलीफ कि वक्त गुजरे हजरत जिब्रील रब ने फरमाया जिब्रील जी मौला मन मेरी बंदी परेशान बैठी है जरा उसका दुख दूर करना। जिब्रील आके क्या कहे जो उस फरमाया है जिब्रील दसाया है अल्लाह कुरान बनाए सोने नबी को सुनाए क्यामत तक उस पाक बीबी की करामत ते शान में कुरान च बन जा फरमाया क्या कहे रब पढ़ छोड़ा कुरान पाक रजो हो गए सर पहचानो मेरा नाम हजरत इमाम हुसैन
میں حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا دا بیٹا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہ دا دل بند اور فرمایا میں وہ ہستیاں دے کو نبی موڑا تے چیندا اے وہ ہستیاں دے واسطے نبی خطبے چھوڑ دیندا اے میں وہ ہستیاں دے واسطے رب جنت وچ جوڑے بھیجوے گا او یزیدیو میرے نال ٹکرا کے اپنی آخرت خراب نہ کرو جہاں تک تھوڑا مطالبہ بیعت دے تے ہاتھ کٹ سکدا اے پر یزید دے ہاتھ وچ نہیں جا سکدا اے گردن کٹ سکدی اے پر پلیت دے سامنے جھک نہیں سکدی لیکن بدقسمتی انہاں لوکاں دی اگر ادب انہاں نوں ہوندا شعور ہوندا سمجھ ہوندی انہاں دا علم انہاں دے کچھ کمے آندا تاں پہچان ویندے لیکن انہاں ظالماں دے وچوں ایک شخص لیا کہے اے امام حسین اے جڑی اپنی خیمہ دے آس پاس اپنے اگ لوا رکھیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دفاعی طور پہ اپنے خیمہ دے آس پاس خندق کھدوائی اور اودے وچ اگ جلوا چھوڑی تاکہ پچھلے پاسوں کوئی خیمہ تے حملہ نہ کر سکے تو اس یزیدی نے تانا دیتا اسا کہا اے امام حسین اسا تیری تقریر سنانا آیا ہے یا بیعت کر یا لڑائی واسطے تیار ہو جا جہاں لگا دیکھو آخرت کے بارے تھا نعوذ باللہ من ذالک اس زبان درازی کی تھی میں جملے ادا نہیں کرتا اسا کہ دنیا جی اگ پسند چکی تھی ہے دنیا دے وچ اگ جلا چھوڑی ہے حضرت امام حسین نو دا تانا پسند نہیں آیا دل آزاری ہوئی دل دکھا تے پریشان ہو گئے غمگین ہو کے عرض کی مولا اس سوار گر رہا ہے رکاب اچھ قدم اڑائے اور گھوڑا اور زیادہ ڈر تو بھج رہا ہے کیونکہ سوار کھائے بنے نا لگتا نال ٹکراوے تا سوار ہی اور کیا تیز بھج دیے سوار لڑکا ہویا گھوڑا پریشان کی بھج دے بدا دل لے اگلے قریب والے پہنچائے شکم قدم چھٹائے چھٹکا لگائے پٹیچ کے اگ کیچ کے سونے حسین تے تانا کرن والا سونے حسین کی زبانی چھپت دعا دے جملے لکھے اس ظالم دے فنار ہون دی دیر نہیں ہو حسین کو یہاں میں میرا حسین تو وہ پاک ہستی ہے خدا دی قسم آپ کربلا دی دھرتی تے تشریف فرما ہن یزیدی شخص آیا آکھن لگا اے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ اکھے دیکھو پانی کتنی آب و تاب دل پیا والا ہے پر اساں پی سکدے ہیں سارے جانور پی سکدے ہیں پر تھانو تھوڑے بچوں نو نصیب نہیں ہو سکدا میرے امام نو جلال آیا اج کی دی مولا ان ظالم نو تسیاں موت نے اس نو تسیاں موت نے بس میرے امام دے فرمان دی دیر ہوئی ہے جی میں فرمایا جی میں اے گل کیتی ہے اللہ دی قسم علماء نے لکھا اس نو پیاس دی بیماری شروع ہو گئی فوراً واپس کے اپنے خیمے دو پانی پلاؤ پانی پیوے ویندا پیاس مٹھے ویندی کیونکہ اگر اگ جلیندی ہے تو رب دی مرضی نال جلیندی پانی پیاس بجھیندا ہے تو اللہ دی مرضی نال بجھیندا ہے پانی پیاس بجھاوے رب دی مرضی نال اگ جلاوے رب دی مرضی نال پانی اندر جاوے تے اگر اللہ دی مرضی نہ ہوے تا پانی پیاس نہیں بجھا سکدا تے ہن پانی پیاس نہیں پیا بجھیندا او منگدا رہندا لوگ دیندے رہندے او پیندا رہندا پی پی کے پیٹ پھٹ گئے فنار تا ہو گئے پر پیاس نہیں بجھ سکی کیونکہ سونے حسین دی دعا لگی کھڑی سبحان اللہ او جو ہے آخر دے انہیں ایک ضروری پیغام اور انشاءاللہ زندگی باقی کل 10 محرم شریف میرے آئی پروگرام انشاءاللہ شہادت پوری اتھا پر سائیں زندگی ہے دیڑے حضرات اسی را کے لئے آمنا چاہمیں جا میں پھر اس شرکت کریں انشاءاللہ اتھا پر سائیں اتھا میں تھوڑی دی حاضری لگائیے جا نال اے بھی عرض کر رہے ہیں 14 محرم الحرم شریف انشاءاللہ جمعرات دے دیں جیرا سارا ہزار شہر کا بڑا مرکزی جلسہ ہوں سالانہ اس دفعہ اس کے اندر بہترین خطیب کو صداوت دیتی ہے رول پنڈی تو قرآن ہی سونا پڑھ دے نعت ہی سونی پڑھ دے کہ اللہ نے محبت بھی بہت پیاری عطا فرمائی ہے رول گلیاں نال تے امام پاکا نال مولانا قاری غلام محمد صاحب رول پنڈی کے خطیب بھی بہترین وہ تشریف لے لیا نے سب حضرات کو دعوت ہے خمیس الاحد 14 محرم
इंशाल्लाह 9 बजे महफिल शुरू हो सी, 1:30 बजे तक महफिल चसी, उसके बाद इंशाल्लाह नमाज और लंगर हो सी, सारे हजरात दोस्त अहबाब तक ये पैगाम पहुँचे सो। दूसरा प्रोग्राम इंशाल्लाह 10 मुहर्रम शाम के टाइम पर 8 बजे महफिल शुरू हो सी और तकरीबन रात 10:15 तक इंशाल्लाह महफिल जारी हो सी, उसके लंगर का इंतजाम हो सी, अगर कोई उस इलाके का बंदा हो आना चाहे आ सके। तो खसूस कल इंशाल्लाह मेले आए की महफिल जी इस इलाके के दोस्त अहबाब जरूर उन्होंने दसे सो, पिछले साल भी बहुत सारे इस इलाके के लोग मैं लिखे इंशाल्लाह जिंदगी हुई शहादत उठा परसाए पर इतना एक पैगाम लेना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ अलावे चाहे पाकिस्तानी का दिल तो बदले तो जज्बात ही चाहने धक्के करें क्या दे पाकिस्तान जिंदा हो आज अगर नहीं आते फितरत है ना इंसान की पता चले जलूस कटे से उस बंदे के खिलाफ जो नारे मरे से पाकिस्तान जिंदाबाद, कोई कैद आजम के खिलाफ अलावे तो लोग कैद आजम के नारे मरे से कुछ कुछ लोग मदद गाली कटे ने लानता करे ने पर सन बुजुर्ग आ गए दुश्मन के लानत ना पै करो गाली ना पै कटो बल्कि जेड़े हस्ती के बारे में ना अगर कोई गलत गल की थी तो उस पाक हस्ती को सलाम पेश करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक सहाबा के बीच बहुत प्यारी हस्ती है, बहुत अजीम हस्ती है, तो आपकी शान के बीच कुछ लोग इस दौर के बेअदबी पै करते नामुनासिब जुमले लाए, खासकर पिंडी के अंदर एक मौलवी ने बहुत ज्यादा जबान दराजी की जो परचा भी करा दिता गया, उलमा एहतजाज किया, गोल्डा शरीफ के बुजुर्गान दीन बहुत सारे औलिया कराम उलमा एहतजाज किया, मैं गुनाहगार को खबर मिली दिल दुखा तो मैं एक पोस्ट तैयार करके फेसबुक के उत्ते चाड़ी, दिल बड़ा परेशान है कि बड़ी बेअदबी की जालिम ने, काश ऐसा ना होता, काश सोना सिद्दीक थोड़े खिलाफ होना बोले, लेकिन असर क्या कर सकते दिल मुँह जा इसे गम की कैफियत सोता दिन का टाइम आई अख लगी अचानक मंजर नजर आए कि खूबसूरत शक्ल वाला शख्स अल्लाह जाने कौन है सोनी शक्ल हाथ से हाथ पाया कि खूबसूरत फूल दरिया के पुल के उत्ते पहुँचे हैं तो उत्थे रोके ना तो मिल के एक सुने के जुमले जबान के उत्ते आ गए वाह वाह यार मनाया सिद्दीक अकबर। कुछ हजरात जो जुमले के वह सुना उसी या रात जो जारी खैर उन्होंने सुना उसी इस सुने जुमले मेरी जबान से आ गए वो ही मेरे हाथ की हाथ पा के मैं पच दी कैफियत वो भी पढ़े थे मैं भी पढ़ा तो नींदर के अंदर मैं इतनी ऊंची आवाज़ हो गई कि घर वाला भी सुन के जा खैर मैं बेदार होया तो वह कैफियत वे अल्फाज जबान के उत्ते जारी तो वाला जल हालांकि मैं शायर कहा नहीं बकैदा के कोई नाता लिखेदार ना हो लेकिन अचानक चूंकि कैफियत आई तो कैफियत बड़ी मैं कंप्यूटर पर लिखा पा गया तकरीबन 9-10 शेर अल्लाह ने उसे मिले अता फरमा तो मैं समझे ना कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरफ खसूसी अता हुई है इन वास्ते महफिल के आखिर के उन्होंने सलाम पेश करते हैं पर मैं चाहना जरा सिद्दीकी बैठा हो सिद्दीकी नाल प्यार करने वाला हो जबान खामोश न रहे जल्ले आखा ना सिद्दीक अकबर नहीं तो इसके उत्ते पूरी मस्जिद की गूंज आनी चाहिए वाह वाह यार मनाया सिद्दीक अकबर ने 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 इश्क अनोखा जल
अंधेरी पत्थर भी सख्त नौकीले हम